Okay, so hi guys, welcome to Unacademy Neet. I hope I am clearly audible and visible. इसी के साथ आज आपकी सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएंगी सॉल्यूशंस में और उसके बाद वील बी जस्ट लेफ्ट विद वैंटॉफ फैक्टर एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. कम ऑन क्विकली शेयर दिस सेशन अमंग्स योर फ्रेंड्स क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट हो गया है एंड लेट मी टेल यू आपका एनविजन बैच भी स्टार्ट हो रहा है इसी के साथ साथ फ्रॉम 2 फरवरी यानी कि अभी नेक्स्ट वीक से आपका ये फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा जहां पर इन केस यू आर ऑलरेडी अ प्लस स्टूडेंट. तो यार देखो मेरी क्लासेस 7 बजे रहने वाली है इन द इवनिंग 7 PM. स्पेशली ये वाला जो आपका बैच रहेगा इसमें हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे. व्हेन आई से जीरो से स्टार्ट करेंगे मींस पहले हमारा फोकस होगा एंटायरली ऑन द बेसिक्स. क्लास 11th के कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्टिंग करूंगी और फिर धीरे धीरे कर हम लोग जो है आपका क्लास 12th कवर करेंगे एंड विद दैट वी विल ऑल्सो कवर ऑल द एडवांस टॉपिक. ठीक है, तो आपको हमेशा ये रहता है कि मैम स्टार्टिंग से होगा पूरा होगा, तो हियर इज द आंसर, स्टार्टिंग से होगा पूरा होगा. थरो प्रैक्टिस के साथ आपके सारे के सारे सेशंस रहने वाले हैं. 7 PM एनविजन बैच, अगर आप मेरी प्रोफाइल पर भी जाते हैं तो इट इज ऑलरेडी लाइव, आप अभी भी एनरोल करा सकते हैं. साथ ही साथ अलग से 22 एस्पिरेंट्स के लिए भी 9 फरवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और इसी के साथ इसलिए भी मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास मौका भी अच्छा है. यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी जहां पर आज और कल के लिए यानी कि फॉर 2 डेज आपके पास ये ऑफर है. 30th आज है यार और 31st कल है. तो आज और कल में आई होप आप अपना अभी तक मन बना चुके हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे थे इन दी अपकमिंग डेज देन आपके पास अभी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वी आर ऑफरिंग यू 20% डिस्काउंट ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शंस. चाहे आप प्लस लेते हैं चाहे आप आइकॉनिक लेते हैं सभी के साथ आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. अभी तक आप जानते हैं जब हम कोड यूज करते थे AKA लाइफ तो आप बैच तो सारे एनीवेज अनलॉक कर ही लेते हो लेकिन अभी तक आपको 10% ऑफ मिल रहा था. सो फॉर दीज 2 डेज वी ऑफर यू दिस स्पेशल डिस्काउंट, सो गो फॉर इट. और इसी के साथ साथ देखो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अभी जो रेगुलर प्राइसेस हमारे चल रहे हैं उनके उनमें जब आप ऑफर आपका 20% वाला ऑफर आपको मिल जाएगा. सो दैट इज रियली मेकिंग दैट डिफरेंस हियर. तो आप अभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं फॉर दीज 2 डेज दैट इज टुडे एंड कल, राइट. प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ. देखो यार प्लस में क्या होगा, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो नो डाउट एक नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन, एक नेक्स्ट लेवल पंक्चुअलिटी के साथ एक तरीके से एक ट्रैक पर आपकी तैयारी आ जाएगी, राइट. लेकिन एट द सेम टाइम प्लस में आपको जितने भी एडुकेटर्स हैं जितने भी बैचेस हैं अक्रॉस एन अकेडमी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे और भी अमेजिंग न्यू बैचेस हैं एनविजन बैच के साथ ही, तो यार आप सबका सारा कंटेंट अनलॉक कर लेते हो. सारे के सारे एडुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं जिनको भी आप प्रेफर करते हैं. एट द सेम टाइम सबकी रिकॉर्डेड सबका लाइव देख सकते हो. क्लासेस को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर डाउनलोड कर बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं. डाउट का तो यार चांस ही नहीं रह जाता. फुल ऑफलाइन क्लास वाला फील आपको मिल पाता है क्योंकि आप ऑडियो कॉल पर हमसे बात कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास. एट द सेम टाइम हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन हर एक टॉपिक के लिए हर एक एडुकेटर रखते हैं. इसी के साथ साथ सबका DPP हैंड रिटन यार सब कुछ तुम्हें मिल ही जाता है. अब फिर आइकॉनिक में हम बात करें तो अगर आप उनमें से हैं कि आपको चाहिए, मेरे को तो यार पर्सनल अटेंशन चाहिए, मैं चाहता हूं कि माय एडुकेटर शुड बी मतलब मेरे को उनसे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, 1-on-1 मेरा इंटरेक्शन हो पाना चाहिए और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मेरे घर पर पहुंच जाना चाहिए, देन आइकॉनिक इज फॉर यू. जहां पर 1-on-1 आपका इंटरेक्शन हो पाता है, पर्सनली आप मेंटोर हो पाते हैं और क्योंकि आपके जो मेंटोर है या एडुकेटर है इतना टाइम एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में देने के बाद पूरा ही समझ में आ जाता है जब इतनी सारी AIRs प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके लिए क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है आइकॉनिक में. सो आई ऑलवेज रेकमेंड यू टू गो विद आइकॉनिक. चाहे आप प्लस लेना चाहते हैं आइकॉनिक, ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड AKLIFE और वैसे भी ये काम की बात है. क्यों? क्योंकि आपका फिर इसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा 1 फरवरी से. देखो यार 2 दिन ये मौका है, फुल मौका टाइप वाला सीन है, तो यू कैन ग्रैब दिस क्योंकि फिर इसके बाद फरवरी से वैसे भी आपका प्राइस हाइक होने वाला है, राइट. और अभी तो आपको यू विल बी एबल टू अवेल देम एट द लोअर प्राइसेस. एट द सेम टाइम अभी 20% ऑफ भी चल रहा है, ठीक है. इसी के साथ साथ
आज क्या पढ़ोगे? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके फिनिश हो जाएं। अच्छा, मेरे को ये बताएंगे हाउ इज द जोश। कितने लोग जो है संडे को ऐसे फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ इधर आए? सो जल्दी से मुझे बता देंगे कि आप लोग कल का पढ़कर आए हो कि मतलब कल का कुछ याद नहीं है। कल का पढ़कर आने का मतलब है कि कल हमने ऑलरेडी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला जो आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको पूरा फिनिश कर लिया था। टुडे वील मूव फर्दर, बाकी की जितनी आपकी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचती है हम आज के क्लास में सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ यार आप देख रहे हो कि यहाँ चार्ट सेक्शन में एक लिंक पिनअप हुआ हुआ है ना, सबको दिख रहा है चार्ट सेक्शन में एक लिंक है। तो यार ये जो आपका चार्ट सेक्शन में लिंक है वहां पर क्या सीन है कि हम आपका ये सोल्यूशन का प्रैक्टिस सेशन होगा स्पेशल क्लास में आज 8:30 PM, ठीक है। 8:30 PM सॉल्यूशंस का प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि सॉल्यूशंस में हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है ना। सॉलिड स्टेट में हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बट सॉल्यूशंस में अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है आपका। तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक, ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में करने वाली हूँ। लेक्चर 1 से लेकर आपका लेक्चर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम साथ में मिलकर उनको आज सॉल्व करेंगे। डू नॉट मिस दिस टाइम। कितने बजे होने वाला है? 8:30 PM होने वाला है, आज ही होगा। और डिस्क्रिप्शन चैट सेक्शन में आपका जो लिंक पिनअप किया गया है वहां पर जाकर आपको उसको क्लिक करना है और उसमें एनरोल करा देना है यूजिंग द कोड AKALIVE, ठीक है। उससे क्या होगा, आप मेरी क्लासेस को एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप उनमें से हो यार जिसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप बहुत सारा गुड क्वालिटी फ्री कंटेंट सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी भी बहुत सारे एडुकेटर्स का मिस कर रहे हैं। सो डू नॉट मिस दैट। आज ही आप डाउनलोड करिए और आज आप मेरी क्लास में आइए और उधर बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। किसके? सॉल्यूशंस के, राइट। लेक्चर 1 to 6 तक केवल जितना वहां तक पढ़ाया गया लेक्चर 6 तक उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं। वेल, इफ यू आर कनेक्टिंग विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस वाज ऑल अबाउट मी। एंड इसी के साथ साथ जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो देखो इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है सब्सक्राइब हियर, है ना। और फिर साथ ही साथ एक लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो यू विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू दिस पेज जहां पर आपको एक प्लस का ऑप्शन, एक आइकॉनिक ऑप्शन दिखता है जिसके साथ भी आप आगे जाते हैं। उसमें फिर ड्यूरेशन पूछेंगे आपसे, तो ड्यूरेशन आपको एकदम अच्छे से चेक करना है कि यार मैं कौन सा ईयर का एस्पिरेंट हूं, तो मेरे लिए कितना मंथ का सब्सक्रिप्शन परफेक्ट है। एक बार आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर ना एक कोड का कॉलम है, तो उसको फिल करना है। कोड में आपको लिखना है AKALIVE, सो दैट जितना अमाउंट मेंशनड है उस पर अभी ये दो दिन के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 20% ऑफ मिल जाएगा। ऑफ के बाद जो आपका यू नो अमाउंट बनता है दैट इज व्हाट यू विल बी पेइंग, चाहे आइकॉनिक में या फिर प्लस। इसी के साथ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस वॉज द यूनिट जो हमने कल पूरा फिनिश कर लिया। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? हाउ इज द जोश? और कितने स्टूडेंट्स को याद है? एक बार पहले मैं ये देख लेती हूँ, है ना, कितने स्टूडेंट्स को याद है अभी जल्दी बताओ यार, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सिर्फ याद है तुम लोग को कि तुम भूल गए? बताना। देखो क्या होता है कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, है ना, ये प्योर सॉल्वेंट था, इसके अंदर बाहर से जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, NVS लिख दो उसको, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना, जो आपका ये क्या होता है, दिस इज योर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो आपका वेपराइज नहीं होता है, जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, जब हम एक ऐसा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सरफेस मॉलिक्यूल्स में वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेपर्स कम बनती हैं वॉलेटाइल लिक्विड की और ओवरऑल वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो यार ये वेपर प्रेशर जब कम हो जाता है इसी को आप क्या बोलते हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हमने यही डिस्कस किया था कि दिस इज योर, हाँ ठीक है, दिस इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ है कि आपका जितना प्योर का है माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है यार, मतलब कि प्योर के रिस्पेक्ट में कितना लोअरिंग हुआ है, तो आपको पी नॉट से डिवाइड भी करना पड़ता है, तभी आपके पास क्या आता है, डेल्टा पी बाय पी नॉट, है ना। और यह आपके पास किसके इक्वल आया था,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आता है. किसके इक्वल? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल. फिर यार फिर तुम इसको कुछ 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 करते हैं जो हमने कल किया था, इसको हम मॉडिफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, और फाइनली हमारे पास ये निकल कर आता है एक्सप्रेशन जहां पर ये स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करता है. जल्दी से बताओ यार, ये स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बता देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्मॉल एम? क्या होता है एम? बोले तो व्हाट? मास, मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या है? राइट, दिस इज योर मोलैरिटी. स्मॉल एम आपका रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी. कैपिटल एम हियर रिप्रेजेंट्स द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये आपका 1000 वो यूनिट बैलेंस के चक्कर में यहाँ पर आ जाता है. तो दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे. अब उसके बाद हमें आपका ये नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज स्टार्ट करना है, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. देखो यार, यहाँ पर बिल्कुल ही सेम बात है, बिल्कुल सेम बात. बस हम यहां पर ना वेपर प्रेशर की जगह बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चीजें अप्लाई कर देखेंगे. दैट्स इट. कि अच्छा ठीक है, आपने अगर एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये बात हमने मान ली. वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो यार बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या हो रहा है ना? खुद ही बताओ आप मेरे को, एक बात बताएंगे? सेम टू सेम कहानी है यार, ऐसा मतलब बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं हो रहा है इधर, बिल्कुल ही सेम है. क्या है ये वाला जो कंटेनर है, देखो इसमें प्योर सॉल्वेंट है तभी आपको दिख रहा है सारे एक ही जैसे पार्टिकल्स हैं. यहां आपने क्या कर दिया है, यहां आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है. यू हैव एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हियर. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है? वेपर प्रेशर कम, कम वेपर बनती है भाई, है ना? वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है. अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर? कौन है, हु इज द स्मार्टेस्ट वन टुडे जो मेरे को ये राइट आंसर अभी के अभी दे रहा है कि अगर आपका वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? यार ये तो मैं तुम्हें पता नहीं कब से बता रही हूं, और अगर आपने इसका आंसर दिया गड़बड़ तो आपकी होगी पिटाई. एंड आई डू रिमेंबर कि आपको एक होमवर्क दिया गया था, बट होमवर्क हम डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लास में. ठीक है, स्पेशल क्लास में. एग्जैक्टली, वेरी गुड. इनवर्सली रिलेटेड होता है, इंक्रीज होगा. दामिनी, स्वगता, आत्या, हर्ष, वेरी गुड. वाह यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे. अब बाकी सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक लिखा है. क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो बस देखो क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में का कम होना. ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेट होना, एलिवेशन मींस व्हाट? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द सेकंड प्रॉपर्टी. ये तो यार सेम टू सेम हो गया, है ना? मतलब वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, दैट्स इट. फिर इसका रीजन एग्जैक्टली यहां पर लिखा गया है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई होप अभी आप समझ चुके हो. अच्छा एक बात बताओ, अच्छा लेट्स मूव ऑन टू दिस स्लाइड. इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी जो आपने अभी अभी समझा है, जो मैंने आपको बताया, दैट इज रिटन हियर. आप भी अपने अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट जब आप पढ़ें आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से ऐसा दिखता चला जाए और आपको ध्यान रहे. सी, वी नो दैट ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर. तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, विच कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. समझ गए ना? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो यार अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक नमक, NaCl डालने पर आपका अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. मतलब वी विल ऑब्जर्व द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दैट्स इट, सिंपल एकदम, है ना? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यार कितना बढ़ेगा. एक बात बताओ, यहां पर आपके पास ये वाला जो कंटेनर है इसमें क्या है? प्योर सॉल्वेंट है. तो यहां किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा? प्योर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा. प्योर का हम कैसे लिखते हैं? मतलब यहां से आपके पास इसको आप लिख सकते हो टी नॉट बी, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. इसको हम क्या कह सकते हैं? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. और इसको यार ऐसा लिख दूं टी बी, बोले तो इसके ऊपर देखो मैंने नॉट का साइन ही लगाया क्योंकि ये प्योर नहीं है, ये तो सॉल्यूशन का है, इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है. अब तुम तो कह रहे हो कि यहां पर क्या होगा अगर आप टी बी और टी नॉट बी को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा कौन है, प्योर का या सॉल्यूशन का? ज्यादा कौन है आपका यहां पर, ज्यादा कौन है यार जल्दी से बताओ, प्योर और दी सॉल्यूशन वाला? वेपर प्रेशर
प्रेशर किसका कम है? वेपर प्रेशर इसका कम है, तो ये आपका ज्यादा होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो यार अगर जैसे कि वहां पर मैंने चेक किया था ना कि भाई वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, तो मैंने ऐसा डिफरेंस कैलकुलेट किया था, ध्यान आ रहा है, डेल्टा पी कैलकुलेट किया था हमने कि भाई कितना कम हुआ है, कर देख लो, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन, इतना आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है। अब यहां जो प्रॉपर्टी आपकी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बड़ा है। तो यार उसको फिर आप ऐसे कर देख लो, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, बड़ा कौन है इधर, कौन ज्यादा है, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे ना, तभी तो आप देख पाएंगे कितना इंक्रीज हुआ है। तो यार इधर हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट करता है आपका द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो कि यार तुम लोग को, आपको ये क्लियर है इतनी बात, है ना? इतने में तो किसी को मुश्किल नहीं होगा। आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दिस मच, इतनी बात सबको क्लियर है, राइट? बिल्कुल ही सिंपल। तो कई बार ना बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टी नॉट बी माइनस टी बी लिखूं या फिर टी बी माइनस टी नॉट बी लिखूं। तुम लोग तो उनमें से नहीं हो ना जिनको कंफ्यूजन हो जाएगा इस बात में कि यार किसको किस में से माइनस करूं, क्या था, टी नॉट बी पहले था, टी बी पहले था, ओ माई गॉड, ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ, तुम तो समझ जाओगे, है ना? तो यहाँ पर आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे सो दैट फाइनल वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाए। बड़ा कौन, ज्यादा कौन होता है? ज्यादा होता है सॉल्यूशन वाला इधर, तो टी बी माइनस टी नॉट बी। उसके बाद ये तो आपने पढ़ लिया। अब देखो यार ये वही सेम टू सेम बात लिखी है जो आप समझ चुके हो कि आपका ज्यादा होता है। यही जो आपका इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को आप क्या कहते हो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो ये जो आपका डेल्टा टीबी है यार, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है दैट एलिवेशन, उस एलिवेशन को आपका कौन रिप्रेजेंट करता है? ये डेल्टा टीबी। कूल है? अब देखो जी यहां पर क्या होता है, आपका जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैंने कहा था जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, है ना? बाकी उनको नेचर से, इससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कैसा है कोई मतलब नहीं, नंबर से फर्क पड़ता है। तो यहां पर नंबर मतलब अमाउंट से फर्क पड़ता है। तो आप यहां पर ये क्या है, डेल्टा टीबी जो आपका है यार, ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीबी जो आपका है, दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, है ना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट पर। तो अमाउंट क्या हो गया, एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो यहां पर हम उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, जितनी भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनमें से कौन सा लेते हैं? मोलैलिटी। हम कहते हैं यार कि हमारा ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या होता है? मोलैलिटी होता है, है ना? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी पता है क्यों लिया? क्योंकि यार अच्छा है ये। कैसे अच्छा है? देखो जस्ट इमेजिन मैं मोलैलिटी ले लेती, है ना? मोलैलिटी के साथ चक्कर क्या होता है? वो बेचारा टेम्परेचर बदलते ही बदल जाता है। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना? लेकिन मोलैलिटी के साथ ऐसा नहीं होता, ये मस्त है, ये बदलता ही नहीं टेम्परेचर के साथ। तो फिर हमने सोचा चलो यार मोलैलिटी ले लेते हैं, राइट? तो इसीलिए जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने रिलेट मोलैलिटी के साथ किया है, मोलैलिटी के साथ नहीं किया है। आपने कल भी देखा था जब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फाइनल एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था ना, उसके अंदर भी यार हमने मोलैलिटी वाला रिलेशन उसको कर दिया था, मोलैलिटी के साथ रिलेट। तो आगे भी हम ऐसे ही करने वाले, जितने हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको हम मोलैलिटी के साथ रिलेट करते हैं। इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर है। आप देखो यार प्रोपोर्शनैलिटी साइन तुम्हारे पास आ गया, अब इसको हटाते हैं, है ना? तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या होता है? के बी, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको एलिवेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं, इबालियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये नाम ध्यान रखना, इबालियोस्कोपिक, ऐसा है, थोड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नाम है। पूछ लेते हैं कि बलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, अब तुम्हें यही ना पता होगी बलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है, है ना? तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको और क्या बोलते हैं? बलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये ऐसे बोलते हैं, लिख लेना, वैसे लिखा होगा इधर स्लाइड में, इसको हम बोलते हैं बलियोस्कोपिक
कॉन्स्टेंट, राइट? ऐसा। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देखो, हाँ लिखा है, सी यहाँ पर लिखा है कि इसको हम क्या बोल देते हैं, एक तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एक आपका क्या होता है, बालियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये एक्सप्रेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, यही तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, यही तो हमने डिस्कस किया अभी, यही वाला एक्सप्रेशन। बोलो यार, इतना जितना अभी हमने डिस्कस किया इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, एनी दिक्कत टिल हियर, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपको लगा होगा यार ये कैसे हो गया मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, बताओ यार। लेकिन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी ऑब्वियसली सालिक का तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन है मैम, ये नीट में आएगा। नहीं मैं सोच रही हूँ कि कभी तुम हमारे पास एक पेशेंट आएगा और पेशेंट को ट्रीट करते हुए आपको ये एलिवेशन एंड बॉलिंग पॉइंट काम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा पढ़ा देती हूँ, नीट में नहीं आ रहा ये, ठीक है? मतलब कितने महान हो यार, नीट में आएगा ऑब्वियसली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट में। सोल्यूशन में अगर पूछें कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस बनता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आएगा, ऐसे महान क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है? कुछ भी पूछ लेता है मैम, हम तो आएगा एक पेशेंट पूछेगा, फिर एक पेशेंट आएगा मेरे पास ऐसे कोई आकांक्षा मैम टाइप, ठीक है? और वो केमिस्ट्री अच्छे से जानते होंगे, अब वो केमिस्ट्री जानते होंगे, अब फिर मेरे से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझे आएगा नहीं तो इसलिए, मतलब तुम्हें आएगा नहीं तो इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, है ना? बहुत अच्छे, ये हो गया यार। उसके बाद देखो यहाँ पर ना एनसीईआरटी में, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यार देखो पेपर में हमेशा एक आधा क्वेश्चन तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आ ही जाता है, मतलब थोड़ा ऐसा फंसाने वाला आ जाता है, तो उसमें ये दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन। कौन सा मैं बोल रही हूँ ध्यान से देखना, कि आपके पास ये जो के बी है इसके लिए ना एक्सप्रेशन ये एनसीईआरटी में लिख कर दिया है कि के बी इज इक्वल टू दिस, ये जो है इसमें क्या है, आर तो क्या होता है गैस कांस्टेंट, वो जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में थर्मोडायनेमिक्स में आर पढ़ते हो ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, फिर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और भी बताऊं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, वो वाला ये वो है, राइट? उसके बाद ये जो आपका टीबी होता है, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट, 1000 तो 1000 है। एलवी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या है यहाँ पर, दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बॉइलिंग में तो यार वेपर ही तो बनती है, वेपराइजेशन ही तो होता होता, तुम आग लगाते हो वेपर बन जाती है, तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये आपका एक्सप्रेशन ये एनसीईआरटी में दिया है भाई। उसके बाद जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ये तो आपको सारी टर्म्स पता होंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एंथैल्पी, मतलब ये ना पर यूनिट मास डिफाइंड होता है, तो एंथैल्पी को आप मास से डिवाइड कर देते हो मोलर मास से, और आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला एक जगह और काम आता है, एक्चुअली क्या है आपसे वो पूछते हैं, जैसे तुमने के बी पढ़ा है ना, के बी ये बालियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास एक और आएगा केएफ, क्या आएगा केएफ आएगा, अब भी हम थोड़ी देर बाद उसको पढ़ेंगे, वो आता है आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में, ये भी एक कांस्टेंट है, तो इनके बीच में ना रिलेशन पूछते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ यार केबी और केएफ में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, या दोनों इक्वली होते हैं, तो इस या फिर यू कांट से, एक ऑप्शन ये भी आता है ना कांट से, तो ऐसा चार ऑप्शन आएगा इनके बीच में साइन लगाकर, एंड यू हैव टू चूज द राइट वन, और वो राइट वन का एक्सप्लेनेशन इधर ही बनता है, यही जो आपका लिखा है ना केबी का एक्सप्रेशन, यहीं से पता चलेगा कि कौन एक्चुअली आपका ज्यादा होता है, केबी या फिर केएफ, राइट? है इतनी बात डन क्लियर, राइट? मतलब वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि केबी का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आता है, और यहां पर दिस एलवी ये जो आपका है, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी को आप क्या करिए उसके मास से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ट्रिपल फेज डायग्राम, अब हमने ना समझ लिया सब कुछ, मतलब हम इंटेलिजेंट तो बन ही गए, हमें पता चल गया एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है क्या, उसका एक्सप्रेशन क्या है, अब इसको हमें ना ग्राफिकली समझना है एक बारी थोड़ा सा।
ग्राफिकली क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी में ना ऐसा एक डायग्राम बनाकर दिया, देखो ये एक डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है और हमें तो ये पता ही नहीं चलता है, समझ नहीं आता क्यों, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये ट्रिपल फेज डायग्राम का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे और क्योंकि हम एनसीईआरटी पूरी तरह मतलब एनसीईआरटी तो एकदम एब्जॉर्ब कर लेनी है हमने, तो एनसीईआरटी में अगर छोटा मोटा भी कुछ है तो उसको भी हमें स्किप नहीं करना है ना। तो वहां पर ये आपका एक ग्राफ गिवन है, इसको कैसे समझना है या इसको कैसे इंटरप्रेट करना है या कैसे रीड करते हैं वो यहाँ पर हम सीखने का ट्राई करेंगे। बोलो रेडी, कह दो यस मैम, है ना रेडी यार, बता दो, बताओ यार आगे बढ़े, इतनी बात आप लोगों को अगर क्लियर है तो ठीक है ओके। अभी देखिए यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, देखो पहले तो ट्रिपल फेस डायग्राम ये वाटर के लिए दिया हुआ है, वाटर के लिए आपको ये गिवन है, इसको समझ लो ट्रिपल फेस डायग्राम कहते किसको है। वैसे कभी कभार केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इसको पढ़ा देते हैं क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है, ठीक है। देखो किसको कहते हैं, जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आपने प्लॉट किया है, इसके अंदर देखो क्या है, यहां पर यार ये वाली, इसको मैं ऐसा रेड से बोल्ड कर देती हूँ, ये वाली जो आपकी लाइन है ठीक है, इसके इधर इसके ऊपर ऊपर क्या है, सिर्फ सॉलिड है राइट, इसके इधर इधर क्या है, ओनली वेपर है। फिर उसके बाद ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली जिसको अभी मैं ऐसा येलो से हाईलाइट कर रही हूं ना, ये वाली आपकी इसके इधर दिस साइड और इससे ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड प्रेजेंट है यहां पर। मतलब अरे यार देखो वाटर होता है, वाटर के तीन फेज हो सकते हैं, आइस में है तो सॉलिड, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं लिक्विड, और उसके बाद उसका स्टीम बना दो तो वेपर में चला जाएगा। तो तीन फेज वाटर के एग्जिस्ट करते हैं, तीन फेज को एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया है ठीक है, अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से, एक बारी सॉलिड स्टेट में होता है, एक बारी वेपर फेज में होता है और एक बारी लिक्विड फेज में होता है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, ऐसा आएगा मैम, ऐसा दिस वे, कह दो यस मैम। अभी देखो ये लाइन पता है मैंने तुम्हें क्यों बताई है, द ओनली पर्पस इज कि यहां पर आपके पास देखो ये सॉलिड है और इधर क्या है, वेपर है। तो ये वाली जो लाइन है ना, जो रेड वाली लाइन है, यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास सॉलिड और वेपर क्या है, इक्विलिब्रियम में, यहां आपके सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में इस वाली लाइन पर राइट, इतनी बात समझ पा रहे हो। फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है यार, ग्रीन वाली पर कौन आपके इक्विलिब्रियम में होंगे बताने एक बारी, प्लीज जल्दी से बताएंगे, इधर ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इधर कौन कौन से दो फेज आपस में इक्विलिब्रियम में, जल्दी बता दो यार, कम ऑन क्विकली, एकदम फटाफट बताएंगे कि इधर ये जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है, यहां पर आपके पास कौन कौन से दो फेसेस इक्विलिब्रियम में। जैसे इधर तो मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन है, सॉलिड और वेपर है, ये इतना मुश्किल है, हाँ सारा ने एकदम परफेक्ट बताया, वेरी गुड, वेपर एंड लिक्विड, देखो इधर लिक्विड है उधर वेपर है, तो यार इधर आपका वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विद योर लिक्विड, और यहां पर कौन दो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड, सही है सॉलिड और लिक्विड। अब तुम एक बात थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मतलब ज्यादा सा कम में भी चल जाएगा काम, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी, तो बॉइलिंग पॉइंट में इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम हमारे काम का होगा, सॉलिड लिक्विड वाला, सॉलिड वेपर वाला या लिक्विड वेपर वाला, इनमें से कौन सी लाइन तुम्हें लगती है हमारे काम की होगी, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं है ना। हाँ वही तो, वेपर लिक्विड वाली, क्यों, देखो यार हमारे काम का ये वाली लाइन है इधर, इस टाइम ये वाली लाइन हमारे काम की है, क्यों, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब बॉइलिंग में तो वेपराइजेशन होता है, और भाई वेपराइजेशन अगर आपका हो रहा है तो फिर ऐसा लिक्विड और वेपर ही कहीं ना कहीं आपके इक्विलिब्रियम में रहे होंगे है ना। वेपराइजेशन मींस या बॉइलिंग मींस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, वही आपका प्रोसेस वेपराइजेशन कहलाता है। तो लिक्विड और वेपर ये दो फेज आपके इक्विलिब्रियम में रहते होंगे, वेरी गुड ठीक है। तो यहां पर ये हम आपका, अब आती है असली बात, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, अब इसके अंदर से हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आपका कर्व है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वापस से, ये है जो आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है और इस ग्राफ की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो यार यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रेशर है, ये वाली जो आपकी यू नो एक्सिस है इस पर आपने प्रेशर लिया है, ये वाली एक्सिस पर हमने क्या लिया है, आपका टेम्परेचर लिया है। अब देखो इधर क्या सीन है, देखो क्या होगा यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि मान लो यार मैंने यहां से स्टार्ट किया ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो ये वाला सॉल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है
देखो एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्योर सॉल्वेंट है और एक मेरे पास दूसरा कंटेनर है उसके अंदर भाई सॉल्वेंट के साथ साथ आपके पास ऐसा सॉल्ट मॉलिक्यूल्स भी है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी है। किसका वेपर प्रेशर कम है ये बताना, किसका वेपर प्रेशर कम है, नॉन वॉलेटाइल वाले का या वॉलेटाइल वाले का, जल्दी बता दो यार बहुत जल्दी, पानी भी नहीं है, प्यास लग रही है, पटक फटाफट बताएंगे आप जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर एक्चुअली कम है ये आपको मुझे बताना है, बता दीजिए। हाँ वही तो एनवीएस का कम है यार, एनवीएस का, वेरी गुड, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसमें आपने डाला है। तो यार इधर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले का वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब वो आपका कहां से स्टार्ट, अच्छा तो ज्यादा किसको, प्योर सॉल्वेंट का, तो यार ये आपका ज्यादा प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है ये वाला कर्व ज्यादा प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कर्व कम प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कर्व जो मेरा है ये किसके लिए होगा। देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये गया गया, सी बेसिकली मान लो ये टेम्परेचर आपका 180 है, 180 कौन होता है, ये प्रेशर आपका 180 है, 1 atmosphere कौन होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। फिर यार तुम्हारा ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर बेचारा धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये एक पॉइंट पर एक्सटर्नल के इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पर आपका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना यार। तो यहां पर ये वाला अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपना टेम्परेचर चेक कर लेंगे तो वो आपका प्योर का क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आ जाएगा प्योर का, टी नॉट बी, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि ये वाला जो हमारा कर्व था, ये वाला जो हमारा कर्व था वो किसके लिए था, फॉर प्योर सॉल्वेंट, किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि यार इसका आउच, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, प्योर वाले का, है ना। तो यहाँ पर ये इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, तो भाई ज्यादा हुआ तो ऐसे ऐसे बढ़ा दो इसको, प्योर सॉल्वेंट के लिए आया, और जहां पर आपका ये वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर हो चुका है वो वाला जो आपका टेम्परेचर है वही वो क्या कहलाता है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, प्योर बॉइलिंग पॉइंट का, आई मीन प्योर बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर इटसेल्फ, तो ये प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है। इतनी बात क्लियर है क्या यार, तुम ना आज संडे है तो मतलब ऐसा थोड़ा संडे वाले मूड में हो क्या, बताना, मतलब कि वेयर इज द जोश, वेयर इज द एनर्जी, ऐसे एकदम ऐसे चलना चाहिए एकदम लाइन से कि यस मैम, और तुम्हें मेरे से पहले पहले बोलना चाहिए, पर ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, मतलब आज तो मेरे को ऐसा कहना पड़ेगा कि जागो ग्राहक जागो, है ना मैम, बस आज संडे है ना मैम, और क्लास तो एक भी हमारी हुई नहीं, तो हम थोड़ा सा ऐसे आंखें खुली कहाँ अभी हमारी, आंखें ही नहीं खुली अभी तुम्हारी मैम, है ना, ऐसा तो नहीं हो गया। और इसी के साथ क्या आप सबने सेशन को लाइक किया है, हैव यू ऑल लाइक दी सेशन, हाई जोश, ओए होए, पार्टी मूड कहते हैं संडे पार्टी मूड, पार्टी तो भाई तुम्हारा नीट हो जाए तो कर लेना, भी अभी ये सारा मोह माया त्याग दो और पढ़ाई करो, राइट। चलो जी, तो इतनी बात हम लोग को क्लियर हो गई। अभी यार फिर दूसरा वाला ये जो कर्व नीचे है, ये वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नीचे वाला जो आपका कर्व है ना ये रिप्रेजेंट करता है वो सॉल्यूशन को विच कंटेन्स दी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि देखो ये कम प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है, कम वेपर प्रेशर वाला कौन है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला, आपने ही बोला था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कम प्रेशर होगा, तो देखो मैंने इसको नीचे से स्टार्ट किया, फिर ये भी बेचारा धीरे 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 बड़ा 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 और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया यहाँ पर जाकर, है ना, ये देखो ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ 180 है ये एक्सटर्नल प्रेशर मेरा है, तो जहां पर ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया वहां से आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेक किया, तो ये वाला जो आपका टेम्परेचर होगा ये यार बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ये आपका बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राइट, सेम टू सेम डिट्टो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो बस वो यही कहना चाहता है, हो गई कहानी खत्म, कि यहां पर आपके पास ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो आपका डिफरेंस आया ना यही वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दिख रहा है ना यहां पर, यार देखो इसको ध्यान से, आपका जो
ये प्योर का था और ये सॉल्यूशन का है, ये प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो प्योर से आपका सॉल्यूशन का बढ़ चुका है, प्योर से सॉल्यूशन का बढ़ चुका है, तभी तो टेम्परेचर इधर से इधर जाते हो तो बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो बढ़ गया यार इतना, और कितना इंक्रीज हुआ है वो आप यहां से चेक कर लो, इंक्रीज कितना हुआ है उसको हम डेल्टा टीबी कहते हैं, और डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू कि ये दो टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, और वो हम क्या करते हैं बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। तो देखो ग्राफ से भी यही पता चल रहा है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और ऐसा होना भी चाहिए वैसे तो, ग्राफ से भी यही पता चल रहा है कि यार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्यूशन का ज्यादा आ जाता है प्योर सॉल्वेंट से। तो ये ग्राफ आई होप अब इसको आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको एकदम ऐसा हलवा टाइप लगेगा और आसानी से आप समझ पाएंगे कि यार क्या कहना चाहता है आपका ये ग्राफ, है ना? ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बता दो यार, ऐसा ही होगा, है ना? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस ग्राफ नाउ। ये अब सबको क्लियर है कि ग्राफ कैसे आपका बना हुआ है ना? किस किस को ये पहली बार समझ में आया? बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं, बट ऐसे सर के ऊपर से वो आंसर जाता है ना? लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है आई होप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन कैसा आता है, ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी हो गई है फिनिश। कितनी देखो यार बिल्कुल ही सिंपल थी, मैं आपके सामने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को समराइज कर देती हूँ। हमने यहाँ पर आप भी ऐसे हर एक प्रॉपर्टी के बाद, यार ये पेन दिखता है इसके ऊपर? दिखता तो है, दूसरा अगर चलाऊ तो ये बेटर दिखता है या ये बेटर दिखता है बताना, कौन बेटर दिखता है, येलो से लिखे कि ब्लू से लिखे? अरे तुम्हारी पसंद पूछ रही हूँ, ऐसे तो कभी कभी होता है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यार बता दो, अब तुम बता ही नहीं रहे, किससे लिख दूँ, येलो से लिखूँ कि ब्लू से? ग्रीन, येलो से लिखो ना, हाँ यार मैं करे येलो बेटर लगा, चलो तो येलो से लिखते हैं। मेरे साथ सबके साथ शुरू हो जाओ, ऐसा डीप ब्रीदिंग, इनहेल और फिर एक्सहेल, अब फिर जितनी बात मैं पूछ रही हूँ बता डालो, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यार ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें हमने क्या देखा कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो आपका, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, तो जो हमारा इसकी वजह से क्या है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं कि जो ये आपका चेंज आया है कितना ज्यादा ये आएगा वही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आप क्या लिख देते हो कि आपका टी बी माइनस टी नॉट बी, बड़ा में से छोटा माइनस, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर क्योंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी चूज करते हैं और हम कहते हैं कि देखो यार डेल्टा टी बी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी एम, जहां पर के भी आपका क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हो, इबालियोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्या कहते हैं भाई इसको, इबालियोस्कोपिक, दोनों ही लिख देती हूं मैं सो दैट कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता हो, इबालियोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट्स इट। इतनी बात हमने पूरे में पढ़ी और एक वो ग्राफ देख लो यार, पूरा समराइज हो गया ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आज हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर मेरे को आप लोगों को बताना है कि यूनिट ऑफ आपका ये जो केबी है, यूनिट ऑफ केबी क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि यार केबी का यूनिट बताइए तो क्या बताएंगे आप, ये जो के बी है आपका कॉन्स्टेंट, इबालियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसका यूनिट क्या है? देखो कितना आसान है बताना, देखो यार यहां पर आपके पास जो डेल्टा टीबी होता है दैट इज इक्वल टू के बी एम, है ना? तो एक तरीके से अगर के बी की यूनिट बतानी है तो आप डेल्टा टीबी बाय एम कर लो। अब टीबी क्या है, व्हाट इज डेल्टा टीबी, टेम्परेचर ही तो है वो, तो यार चेंज इन टेम्परेचर की भी तो टेम्परेचर वाली यूनिट होगी, तो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं केल्विन, तो ये केल्विन हो गया। मोलालिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोल पर केजी, क्या यूनिट होती है आपकी, मोल पर केजी। तो यहां पर आपके पास जो यूनिट है दैट विल बी केल्विन पर मोल केजी,
केल्विन पर मोल केजी, दिस विल बी द यूनिट फॉर केबी, यानी कि बैलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब इसमें आपको रट्टा मारना पड़ा, लर्न करना पड़ा, मेरे को तो नहीं लगता यार किसी को भी लर्न करना पड़ेगा क्या ये कि आपका जो यूनिट होता है बैलियोस्कोपिक कांस्टेंट का, दैट इज केल्विन पर मोल, इधर कर लो इसको, दिस इज द यूनिट फॉर बैलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, ध्यान रह जाएगा, सबको ध्यान रह जाएगा, किसी को लर्न नहीं करना है, राइट, वेरी गुड, परफेक्ट है। तो बस एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट यहीं पर आपका फिनिश हो जाता है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर उससे पहले ये क्वेश्चंस हम आपके स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार अभी तो हम फटाफट से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारे फिनिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि क्या कह रहे कि देखो एक 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपके पास है 185 ग्राम ऑफ वाटर में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर उन्होंने ये नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इतने पानी में, तो पानी तो क्या होता है सॉल्वेंट, तो यानी कि उन्होंने आपको किसका गिवन मास दिया है, गिवन को आप W से रिप्रेजेंट करते हो सॉल्वेंट का, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हुआ है, दैट मींस उन्होंने आपको कहा है कि देखो यार डेल्टा टी बी जो है ना वो इतना है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वो आपसे एम बी कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कि बताओ जी मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस कितना होगा। और एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर आपसे कोई पूछता है ना कि यार इसका यूज क्या है, व्हाट आर द यूज ऑफ कॉलिगेशन प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला यही आता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर हम किसी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं तो हम आसानी से उस सब्सटेंस का मोलर मास बता सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम सबको पता है, फॉर्मूला आप सबको ही पता है, क्या होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, है ना। तो यार यहां पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, तो डेल्टा टी बी विल बिकम इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, क्या होता है द फॉर्मूला फॉर मोलालिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय दी, ये तो बहुत खूबसूरत बन गया, डिवाइडेड बाय दी मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और क्योंकि आप फिर इस तरीके से लिखते हो तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर ये ग्राम्स में रहता है, ठीक। तो देख लो बस हो गया, अब यहां से तुम्हें ये फाइंड आउट करना है भाई, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट, बाकी सब आपको दिया है, के बी दिया है, डेल्टा टी बी दिया है 0.80, के बी की जगह आप पुट कर सकते हो क्या 0.52, डब्ल्यू बी किधर से आएगा 12.5, डब्ल्यू ए किधर से आएगा 185, डब्ल्यू एम बी कैलकुलेट कर लो, इज इट मुश्किल, नो इट इज नॉट, सब कुछ दिया गया और आपको ये कैलकुलेट करना है डायरेक्ट फॉर्मूला में, वैल्यूज पुट करनी है, एंड दैट्स इट। राइट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, देखो मैंने सॉल्व भी करके दिया आपके लिए। तो ये तो यही हो गया हमारा डन, 43.92 ग्राम पर मोल आएगा इसका आंसर आपका, सिंपल यार वैल्यू पुट करनी थी, ये तो बड़ा ही आसान है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस डू इट योरसेल्फ, इसमें आपको मोलर बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहां पर आपको के बी कैलकुलेट करना है, एलिवेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, किसको, इसको क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, थोड़ा ऐसे नाम थोड़ा अलग सा है। वैसे यार ये क्रायोस्कोपी बैलियोस्कोपी शायद आप कभी ना कभी बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा सर्जिकल मेथड होता है जिधर ये सब कुछ यूज भी होता है, ठीक है, बैलियोस्कोपी क्रायोस्कोपी एंड स्टफ। एनीवेज देखो यहाँ ये जो क्रायोस्कोपी लिखा है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इसी तरीके से इबालियोस्कोपी भी बोलते हैं, वो टेक्निक होती है, राइट, वहां पर उसको इबालियोस्कोपी और इबालियोस्कोपी से फिर इबालियोस्कोपिक कांस्टेंट आता है, यहाँ इसको क्रायोस्कोपी बोलते हैं और क्रायोस्कोपी से फिर जो कांस्टेंट निकल कर आएगा उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या कहता है, अच्छा पहले तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अरे यार बर्फ बर्फ जमाते हैं हम, है ना, लाइक वाटर, वाटर का बर्फ फ्रीजर में रख दो जम गया बर्फ, तो वैसा ही मतलब कि आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो टेम्परेचर एट विच दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। ये कोई भी नॉर्मली कोई भी लेमन कोई भी रैंडम इंसान ये बात बता देगा, है ना, तो वो एक डेफिनेशन हो गया कि वो टेम्परेचर जहां पर आपका लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप क्या बताओगे
कि दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, जहां पर आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाए। देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर था जहां लिक्विड और वेपर का लिक्विड का वेपर प्रेशर और वेपर का वेपर प्रेशर आपका सेम टू सेम हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यहां पर क्या होगा आपके पास, जहां सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि डेफिनेशन तो दुनिया में आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको हम ग्राफ से ही समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे, राइट? देखो यार, अब क्योंकि आपको फ्रीजिंग करवानी है, क्या करवाना है आपको, फ्रीज करवाना है, राइट? तो ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पर अभी तुमने जब मैंने ट्रिपल फेज, ध्यान से सुन लो प्लीज, इसको एकदम ध्यान से एकदम अटेंशन के साथ सुनेंगे, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके बाद जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे या एनसीईआरटी में देखोगे, बहुत आसान आपको लगेगा, प्रोवाइडेड जितना आपको अभी बताया जा रहा है आप उतना ध्यान से सुने, उतना ध्यान से नहीं सुनोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट है? तो ध्यान से सुनेंगे। सी, आपके पास यहाँ पर अभी मैंने ट्रिपल फेस डायग्राम दिखाया था, तो ट्रिपल फेस डायग्राम के अंदर ये एक सॉलिड लाइन था, इसके नीचे सब कुछ सॉलिड था, ये एक लिक्विड वाला लाइन था, इसके नीचे सब कुछ इसके ऊपर सब कुछ क्या था, लिक्विड था, फिर इनके नीचे वेपर फेज आता है, जो भी वेपर का हमें कोई काम नहीं है इधर, जब तुम फ्रीजिंग करवा रहे हो यार, तो फ्रीजिंग में आपको वेपर का तो कोई काम होगा नहीं, है ना? फ्रीजिंग के अंदर देयर इज नो यूज ऑफ वेपर फेज, केवल लिक्विड और सॉलिड फेज ही हम लोग को कंसिडर करना है, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हो आप, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहां हमने सिर्फ सॉलिड और लिक्विड लाइन को ही कंसिडर किया है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या होगा, आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, तो देखो यहां पर ये वाला कर्व मेरा रिप्रेजेंट करता है प्योर सॉल्वेंट को, तभी तो ये आपने एक ज्यादा वेपर प्रेशर से स्टार्ट किया है। आप क्या कर रहे हो, आप लिक्विड से किस में जा रहे हो, सॉलिड में जा रहे हो, तो देखो ये मेरा लिक्विड वाला कर्व है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, इस प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट है, और ये गया 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 इधर 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 जाकर यहां पर ये आपका इस सॉलिड लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर गया, तो यहां पर क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली मेरा क्या जाएगा, द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा, ये वाला, जल्दी से बताओ, ये जो बोल्ड किया है ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा या फिर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है बता दो यार, फ्री कौन सा वाला है, ये प्योर वाला है या कैसा वाला है? जल्दी से बताएंगे कौन सा वाला है ये फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी के साथ क्या आपने सेशन को लाइक किया है, प्योर का है, वेरी गुड। सॉल्वेंट हर्ष, सारा, प्रिया, सॉल्यूशन का प्रिया आप गड़बड़ कर रहे हो, आशिमा वेरी गुड, आकांक्षा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सबने ठीक आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो यार, आपने क्या कहा था कि ये वाले अपना आपने कौन सा लिया, इसको मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है, ये वाला कप, इसका प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर तो प्योर के केस में ज्यादा होता है ना, ये प्योर सॉल्वेंट वाला केस है, और ये प्योर सॉल्वेंट वाला यहां आकर किसके साथ कोइंसाइड कर गया या किसके साथ इंटरसेक्ट किया है, सॉलिड लाइन के साथ, तो ये जो पॉइंट है जहां ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए, ये मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट देगा, और ये मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट देगा प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट की बात चल रही थी इधर, तो यहां पर आपके पास टी नॉट एफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर आपका यार वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, देखो अब आप थोड़े लोअर लेसर वेपर प्रेशर से स्टार्ट कीजिए, तो कम वेपर प्रेशर से आपने स्टार्ट किया तो क्या होगा, फिर से धीरे 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 आप चले, देखो ये कम था, धीरे धीरे आप चले चले चले, और फिर यहां ये सॉलिड लाइन से इंटरैक्ट किया, क्या किया, सॉलिड लाइन से इधर इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट पर मेरे पास कौन आएगा, यहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, और ये फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा वाला आएगा, सॉल्यूशन का, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये किसका है, ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तभी तो आपने कम वेपर प्रेशर से स्टार्ट किया था, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यार टीएफ आ जाएगा, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट में देखो अब क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, देख रहे हो आप, डिप्रेशन आता है, जैसे उसमें तो क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था, यहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि देखो प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है,
प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ये प्योर वाला है और फिर उससे इधर जा रहा है, टेम्परेचर तो आपका इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा ना, तो यार ये इससे कम आ रहा है, कम आ रहा है मींस डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है यार, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है, डिप्रेशन आता है, इट डिक्रीजेस। बोलो यार इतनी बात क्लियर है क्या, कह दो यस अगर आपको क्लियर है तो, है ना। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर कितना डिक्रीज आएगा, कितना डिप्रेशन होगा, ये जो आपने लिखा है ये कितना होगा, डेल्टा टी एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे को बताओ यहाँ टी नॉट एफ ज्यादा है या टी एफ ज्यादा है, तो यार यहाँ पर आपका टी नॉट एफ ज्यादा है एज कंपेयर टू टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा टी एफ होगा, यानी कि ये जो चेंज इन आपका या डिप्रेशन जिसको आप बोल रहे हो कि कितना डिक्रीज हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, दैट मीन्स टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यही हम अभी तक फंडा फॉलो कर रहे हैं, बड़े में से छोटा माइनस, तो टी नॉट एफ यानी कि प्योर का माइनस टी एफ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू दिस। इतनी बात में किसी को डाउट है क्या, कह दो नो, नहीं होगा है ना, डाउट तो नहीं होगा आपको इतनी बात में, तो बस यार ये हो गया। इतनी बात में अगर किसी को डाउट नहीं है तो बस यहां पर एग्जैक्टली यही बात लिखी है। देखो क्या लिखा है कि जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस, ठीक है। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। अब जितना कम होता है उसको डिप्रेशन कह देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से देखो क्या क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो इंक्रीज को क्या बोलते हैं, एलिवेशन। और यार ये क्या हो रहा है, इसके साथ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, डिक्रीज को क्या बोल रहे हैं आप, डिप्रेशन। दैट्स इट। ऐसे करके तुम्हारे पास ये देखो कितने चक्कर हुए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से, पूरी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई इसी बात के ऊपर। हाउएवर जो लास्ट वाली है, फोर्थ वाली, वो बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग एकदम, उसको पढ़ने में मजा आता है, अभी वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है उधर से, दैट इज लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। तो यहां पर अब देखो बिल्कुल ही सेम टू सेम बात होगी, डेल्टा टी एफ आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ के इक्वल आ चुका है। यार तुम लोगों को ऐसे, अब मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी बात एक एक बात को ध्यान से सुना है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको कि यार टी नॉट एफ माइनस करूं या टी एफ माइनस टी नॉट एफ करूं, सिंपल बड़े में से छोटा माइनस करिए, है ना। तो आपको बस ये चीज एक बार दिमाग में रखनी है, और फिर मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला में आप कभी गड़बड़ नहीं करके आओगे कि किसमें से कौन माइनस करें, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, पी नॉट माइनस पी एस लिखूं या पी एस माइनस पी नॉट लिखूं, टी एफ माइनस टी नॉट एफ लिखूं या टी नॉट एफ माइनस या टी बी माइनस टी नॉट बी, या क्या लिखें, है ना। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, आप कौन बड़ा है वो आपको ऑटोमेटिक पता ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, राइट। अब बिल्कुल जैसे आपने किया है, अब तो यार बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम जैसा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था ना, डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि वहां पे भी आप टेम्परेचर की बात कर रहे थे, यहां भी टेम्परेचर की बात कर रहे हो। तो देखो यहां पर क्या होता है, डेल्टा टी एफ, अगेन दिस इज ऑल्सो योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर अमाउंट के ऊपर, है ना, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यार अमाउंट के ऊपर तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी के क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो डेल्टा टी एफ बिकम्स इक्वल टू के एफ एम, और यहां के एफ क्या है, दिस इज योर कॉन्स्टेंट, कौन सा कॉन्स्टेंट, क्या नाम दे इसको, इस कॉन्स्टेंट को क्या नाम दे, बताओ यार इस कांस्टेंट को क्या नाम दे रहे हो तुम, के एफ को, जैसे हमने वहां पर किया था, बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाइए, आपके पास कांस्टेंट आएगा, व्हाट विल दिस कांस्टेंट बी कॉल्ड, दिस इज योर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वो क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ क्योंकि ये क्रायोस्कोपी हमने इसको बोला था, तो इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल दिस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ यार यूनिट ऑफ केएफ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केएफ, हाँ भाई तो क्रायोस्कोपिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्रायोस्कोपिक एंड ऑल्सो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। स्पेशल क्लास 8:30 बजे है भाई आज,
ठीक है, बोलना नहीं है। स्पेशल क्लास 8:30 बजे है, जिसमें हम ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशल लेक्चर 6 तक अभी तक हमने जितना कवर किया है, वहां तक से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके बनते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे एक ही बारी में, आज शाम 8:30 बजे। ठीक है, तो अब जो 3 स्पेशल क्लासेस होंगी आपकी सॉल्यूशन की, उसके बाद टेस्ट होंगे सारे, 3 स्पेशल क्लास होंगी सॉल्यूशंस की, मस्ट है अटेंड करना, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कल की भी, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक तो नहीं किया है, पर हमें वो कवर करना है, राइट। तो आज लेक्चर 6 तक जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सब हम आज की स्पेशल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर बाद में इन द नेक्स्ट क्लास हम ऐसे ही 2 क्लासेस और लेंगे, और फिर जैसे मैंने सॉलिड स्टेट का कल तुमको टॉप 25 क्वेश्चन कराया, ऐसे ही कुछ दिन बाद हम सॉल्यूशंस के टॉप 25 करेंगे, लेकिन वो तब जब आप इतना प्रैक्टिस खुद कर चुके होंगे, सो दैट वो वाले क्वेश्चन फिर आपसे आसानी से हो जाए। ठीक, चलो जी। अरे तुमने ये तो बताया ही नहीं, यूनिट तो बताया नहीं भाई आपने। ओए होए, यूनिट तो बता दो इसकी, यूनिट नहीं बताई भाई तुम लोगों ने कि व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट क्या होगी आपकी इसकी, किसकी मैम, केएफ की, व्हाट विल बी द, हाँ वेरी गुड, सारा एकदम परफेक्ट बताया आपने। अरे यार देखो, सेम यूनिट होगी जो केबी की थी, वही यूनिट होगी आपकी यहां पर भी। क्यों? क्योंकि यार ये क्या है, इसको अगर केएफ को फाइंड आउट करना है कैसे करोगे, डेल्टा टीएफ बाय एमई करोगे तुम लोग, और क्या करोगे। तो यहाँ पर ये केल्विन होता है, मोलैरिटी मोल पर केजी रहेगा, तो वापस से वही आएगी आपके पास, केल्विन पर मोल केजी, ठीक है, ये आएगा आपके पास सेम टू सेम, एब्सोल्यूटली सेम यूनिट। क्यों? क्योंकि वो तो टेम्परेचर तो बेचारा केल्विन ही रहेगा और मोलालिटी मोल पर के जी रहेगी, उसने तो बदलना नहीं, तो आपके पास यूनिट भी ऐसे ही आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सी, हाँ इतना ही बहुत है। उसके बाद देखो यार, ये वाला फॉर्मूला पे आ जाओ आप सीधा सीधा, ये तो सब जो हमने पढ़ लिया वही लिखा है सेम टू सेम। ये आपको बिल्कुल सेम किसकी तरह लग रहा है, बिल्कुल सेम वो वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा जो आपने केबी के लिए पढ़ा था। उसमें यहाँ केबी था, यहाँ टीबी था, यहाँ एलवी था, क्या था, एलवी। पर क्योंकि यहाँ पर आप लिक्विड सॉलिड की बात करें, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाता है। द ओनली डिफरेंस हियर इज दिस एलएफ, ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये आपका क्या है इधर, एलएफ इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एलएफ कैसे फाइंड आउट होगा, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इंथैल्पी बाय मोलर मास, क्या होता है, दिस इज दी इंथैल्पी बाय मोलर मास। इंथैल्पी कौन सी, दी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वहां पर कौन सी थी, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओगे कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ज्यादा होता है, पता नहीं यार कौन ज्यादा होता है, विच इज मोर, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जल्दी से बता देंगे इतनी बात, तो बस फिर ऑलमोस्ट पूरा फिनिश है तुम्हारा ये वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन बता रहा है यार मेरे को सबसे पहले ये बात का आंसर, विच इज मोर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हमें नहीं पता मैम ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ, सोच के देखो, इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, जब आप वेपराइजेशन का मतलब क्या, लिक्विड से आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा, खुद सोचो एक बारी, एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा, और इसी में इसका आंसर भी छिपा हुआ है। ठीक है, वेपराइजेशन, 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 वेरी गुड, वेपराइजेशन ज्यादा होता है। तो अगर आपका यहां पर आपका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा, तो दैट मींस आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो किसके केस में ज्यादा आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा ही आएगा अगर आपका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर ज्यादा है, तो अब आप ये घर से, मतलब बिल्कुल अब आंसर आपके सामने ही, अब आपको घर से कर कर लाना है, और मेरे को स्पेशल क्लास में, आज की ही स्पेशल क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केएफ एंड केबी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कौन किससे ज्यादा होता है, कौन किससे कम होता है, या हम तो मैम बता ही नहीं पा रहे, आई कांट से दिस, हम नहीं बता सकते, ये भी कह सकते हो तुम, ये ऑप्शन भी चूज कर लेना, ठीक है। बट आई थिंक जितना आपको मैंने बता दिया है उसके बाद बिल्कुल ही एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए आपको कि आपके पास क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। इतना मैं आपको बता चुकी हूं कि एलवी सी,
पूरी की पूरी हिंट मैं इसी वाले पेज पर लिख देती हूँ जितना हमने आपको पढ़ाया. एलवी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच बी बाय ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय मोलर मास. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय मोलर मास. उसके बाद केबी किसके इक्वल होता है, आर टी स्क्वायर बी बाय 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और केएफ किसके इक्वल होता है, आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब इसमें मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि आपके पास क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन से. तो यार अब तो बिल्कुल क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, और केएफ और केबी के बारे में आपको मुझे बता देना है. बस एक सेकंड की एक लाइन की और बात बची है, वो आप बताओगे, आप यू विल टेल मी दैट इन द स्पेशल क्लास. ठीक है, आप देखो जी, हम लोगों ने आपका ये वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पूरा फिनिश कर लिया, वी हैव फिनिश दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद हाय उसके बाद मजा आएगा बिकॉज ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, और वो लास्ट प्रॉपर्टी, और वो इतनी मजेदार है, इतनी अच्छी है यार. तुम्हारे घर में आरओ लगा है ना, आरओ, उसमें भी ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है आरओ सिस्टम. आजकल यार प्योर पानी तो आता नहीं किसी के पास, है ना, सबके घर में मोस्टली आरओ लगा होता है, आरओ मतलब कोई भी फिल्टर लगा होता है वाटर का. तो पढ़ेंगे उसमें क्या सीन होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको मजा आएगा, तो बने रहिए. लेकिन उससे पहले हमारी ये वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जरा समराइज कर डालते हैं. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेट अस जस्ट क्विकली समराइज दिस. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि देखो यार, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है. तो हमने देखा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम. उसके बाद आपको पता चला कि यार यहाँ पर आपका प्योर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी दैट ऑफ दी सॉल्यूशन. कितना चेंज आता है, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन कैसे बोलते हैं आप, टी नॉट एफ माइनस टी एफ. फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. जहां पर आपके पास के एफ की यूनिट क्या आती है, इसकी यूनिट क्या आती है, वही वाली जो केबी की आती है, केल्विन मोल पर मोल केजी, ये आपके पास इसकी यूनिट आ गई. और तो कुछ है नहीं यार, हाँ इतना सा था, देखो इतना चीनू मीनू, बिल्कुल बेचारा जरा सा, इतनी सारी बात पढ़ी, ये हो गया पूरा समराइज. और कुछ पढ़ा हमने इसमें, नहीं, दिस इज व्हाट वी रेड एंड द ग्राफ, और ग्राफ में यही बात लिखी है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, दैट्स इट. ठीक है, तो आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे. जहां पर स्मॉल एम आपका क्या है, स्मॉल एम आपका मोलालिटी है ना, स्मॉल एम इज योर मोलालिटी. तो मोलालिटी तो सबको पता है मोलालिटी क्या होता है. अब ये भी लिख दूं अगर आपको नहीं पता है तो, मोलालिटी क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. वैसे तुम्हारा ना बहुत बढ़िया वाली पिटाई होनी चाहिए अगर आपको नहीं पता है, डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. और अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में लिखते हैं, जो कि 99% हमारे पास यही होता है, क्योंकि यार इतना सारा सॉल्यूशन कौन बनाएगा कि केजी में लेना पड़े. यूजुअली हम इतना ही बनाते हैं कि ग्राम्स में काम चल जाए. तो अगर आप ग्राम में लोगे तो उधर 1000 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो. अभी देखना यहां पर, क्योंकि मैं सॉल्यूट को यहां पर ए को हम सॉल्वेंट कह देते हैं, और बी को क्योंकि हम आइडियली सॉल्यूट मानकर चलते हैं, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स की जगह ऐसे आ सकता है, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इन 2000. तो आप मोलालिटी की जगह इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो. इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपका जब, क्योंकि फॉर्मूला में बहुत कम ऐसा होगा कि आपको मोलालिटी गिवेन है, मैक्सिमम केसेस में आपको मास गिवेन होते हैं और उनमें से कोई एक मिसिंग होता है, वो आपको कैलकुलेट करना होता है. तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो 100% कर पाओगे यार. ठीक है, पूरा हमारा समराइज हो गया. अब बारी आती है इसकी, किस किस को पता है व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्या होता है ऑस्मोसिस, कुछ तो होता है मैम, कुछ तो होता है ऑस्मोसिस. ओह माय गॉड, याद करने दो, है ना, व्हाट इज ऑस्मोसिस जल्दी से बताएंगे क्या होता है भाई ऑस्मोसिस. और इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अब भी जुड़े हुए हैं और ये सेशन को ऐसा देख रहे हैं, हैव यू ऑल लाइक दिस सेशन, बिल्कुल मिस नहीं करना, बिल्कुल ही भागना विदाउट लाइकिंग दी सेशन. हाँ जी, मेरी क्लास डेली होती है, नहीं पता भारत को तो नहीं पता. ठीक है, ओके, किसको पता है व्हाट इज ऑस्मोसिस.
देखो लास्ट प्रॉपर्टी है क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑस्मोसिस। प्रॉपर्टी इज नॉट ऑस्मोसिस, प्रॉपर्टी तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर यहां पर पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं कि क्या होता है। उसके लिए आपके सामने ये डायग्राम है। देखो डायग्राम में क्या सीन है, इधर मेरे पास ये वाली जो साइड है, इधर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, इस साइड मेरे पास यार क्या है, प्योर सॉल्वेंट है ऑन दिस साइड, और जो दूसरी साइड आपके पास है, यहां पर हमारे पास सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट है। क्या कर रखा है तुमने, सॉल्यूट डाल रखा है, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे तुम ऐसा कलरफुल देख, कलर्स के थ्रू आप समझ भी पा रहे होंगे, यार यहां पर देखो सेम कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। एक साइड सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एंड द अदर साइड वाटर मॉलिक्यूल होने के साथ साथ आपके पास ऐसा सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी है। क्या है, सॉल्यूट भी है, देखो दिख रहा है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी है, बड़े बड़े से सॉल्यूट। मान लो यार नमक है, आपने क्या डाला है, नमक डाला है। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो यूजुअली बड़े होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब यार बीच में तुम्हें एक ये दिख रहा है ऐसा लाइन, लाइन सा कुछ 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 टाइप का ऐसा पार्टीशन दिख रहा है, पार्टीशन। ये पार्टीशन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं आपका, दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या सेमी परमिएबल मतलब कि कुछ ही चीजों को परमिशन है इससे एक साइड से दूसरी साइड जाने का इस मेम्ब्रेन के थ्रू। क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू आपके पार्टिकल्स इधर से इधर आ सकते हैं, लेकिन ये केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है। परमेबिलिटी इज नॉट कि ये कुछ ही इससे परमिएबल हो पाएंगे, कुछ ही इससे बाहर दूसरी साइड जा पाएंगे, राइट। वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअली आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एंड इट इज सेमी परमिएबल टू सॉल्वेंट। यानी कि ओनली दी, यहां पर आप लिख लेना, ओनली दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस, कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, राइट। ओनली आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही इस मेम्ब्रेन के इधर उधर हो पाएंगे। अरे यार जैसे चाय पीते हैं, हम पीते हो सभी लेते हैं चाय, जब हम बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद क्या होता है, आप ऐसा फिल्टर, वो छलनी लेते हो ना, फिल्टर करते हो उसको चाय को, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ चाय नीचे जाता है और बाकी तो यार तुम्हारा चाय पत्ती एंड उसके अंदर जो भी तुमने डाला है इलायची विलायची सब उसके अंदर रह जाता है, वो जो आप फिल्टर कर रहे हो, राइट। तो क्या हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ आपका ओनली एंड ओनली चाय आपका कप में आ रहा है, बाकी जो चाय पत्ती या ये वो सब रुक जाता है, तो वो भी आपका क्या है, सेमी परमिएबल है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारी चीजों को अलाउ कर रहा है, केवल और केवल कुछ कुछ आपके यू नो मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू देम। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है, ये आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसका साइज इस तरीके से है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही यहां से आ जा सकते हैं, राइट। अब देखो क्या होता है ना, नॉर्मली हमारे पास ऐसा होता है कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ आती है। जैसे आपने देखा होगा वॉटरफॉल होता है तो बहुत ऊंची ऊंची हाइट से पानी नीचे गिरता है, तो क्या हो रहा है, वो हाई से लो की तरफ आ रहा है, बहुत ऊंची हाइट से नीचे लो की तरफ आ रहा है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा पानी बेचारा ऐसा, ऐसा कभी देखा है कि पानी ऐसा पॉन्ड में पड़ा और उठकर ऊपर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं देखते हम। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, मोटर वोटर लगा दे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, ज्यादा करके चीजें आपकी हाई से लो की तरफ जाती है। तो मेरे को इसमें बताओ, ये वाले केस में कौन से साइड, इस साइड या इस साइड, कौन से वाले साइड आपकी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये वाले साइड में अगर मैं इसको ए बोल दूं और ये वाली साइड अगर मैं इसको बी बोल रही हूं, बताओ कौन से साइड पर, ए साइड पर या बी साइड पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कौन सी साइड ज्यादा है, बताओ भाई। भाई तो ए वन में ज्यादा है, वेरी गुड सारा, स्वपनदीप, विशाल, सृजन, हसना, आशिमा, सारा, बहुत अच्छे, ओए होए इंटेलिजेंट लोगो, वेरी गुड। तो बिल्कुल ठीक है, ए साइड जा, अरे यार इतनी इंटेलिजेंट वाली बात भी नहीं है, दिख तो रहा है इधर बस सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, इधर तो बेचारा सॉल्यूट भी है तो सॉल्वेंट तो इधर ही ज्यादा है ना। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है। तो होगा क्या कि
आपको मैंने क्या कहा कि नेचर में यूजुअली चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं, तो यहां पर भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ जाएंगे, तो इधर ज्यादा है तो इधर से वो कम की तरफ जाते हैं यानी कि इस साइड जाएंगे। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके क्या जो ये प्योर पानी है ना इसके मॉलिक्यूल आपके इधर साइड जाने लगेंगे। तो जब जाने लगेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, यहां से देखो पहले तो दोनों का आपका सेम लेवल था लेकिन फिर इधर वॉल्यूम कम हो जाएगी और इधर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों गई है यार, क्योंकि आपका इधर से पानी निकल के वाटर मॉलिक्यूल्स निकलकर इधर आ गए तो इधर आपका लेवल बढ़ गया है ना। ये हुआ है, यही जो आपका प्रोसेस है पहली बात तो इतना समझो यहां तक जो हमने पढ़ा दिस इज ऑस्मोसिस। इसका मतलब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या हुआ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट राइट फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। ये लिखा भी हुआ है आगे क्या कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज योर वॉट ऑस्मोसिस। लिख लो इसको जिसको भी लिखना है, इसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं या फिर आप बाद में भी लिख सकते हो। अब यहां पर इतनी बात तो ठीक है यार लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा मेरे को तो बिल्कुल भी। मजा पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यार मेरा बेचारा प्योर पानी था, देखो प्योर वाटर प्योर ही तो अच्छा लगेगा मेरे को। अब ये सी वाटर का ये ऐसे सोच लो सी वाटर है, क्यों, क्योंकि इधर नमक है ना इस पानी के अंदर। तो लेट अस से ये वाली साइड जो है आपका इधर कौन है सी वाटर है, तो यार सी वाटर तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं इसका, सी वाटर का पी भी नहीं सकती हूं मैं, सॉल्टी वाटर को तो आप पी नहीं सकते। तो यार यहां पर आप क्या चाहोगे, आप चाहेंगे कि आपके पास प्योर वाटर ज्यादा रहे और हो उल्टा रहा है, ऑस्मोसिस के चक्कर में बेचारा जो पानी प्योर था वो और सॉल्ट वाटर में मिलता जा रहा है। तुम तो ये नहीं चाहते, तुम तो प्योर ही वाटर चाहोगे ना कि यार कम से कम चलो ज्यादा नहीं मिल रहा वो तो ठीक है पर बेचारा जो प्योर है वो तो सी वाटर के साथ मिक्स ना हो, क्योंकि मेरे को तो प्योर ज्यादा अच्छा लगेगा ना सी वाटर नहीं। तो सी वाटर को तो बाद में देखेंगे कि उसको कैसे प्योर बनाए, पर पहले जो मेरा प्योर है उसको सी वाटर में मिक्स नहीं होने देना है बिकॉज मुझे प्योर वाटर चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान से सुनना, यहां से आपको पता चलेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली साइड, ये आपको दिख रहा है ये कौन सी साइड है, सॉल्यूशन वाली साइड है, ये सॉल्यूशन वाली साइड पर यहां पर मैं प्रेशर अप्लाई कर देती हूं, ऐसा एक पिस्टन टाइप या कुछ भी लगा दो और आप इतना प्रेशर अप्लाई कीजिए कि आपका ये जो फ्लो है ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो फ्लो आपका रुक जाए। समझ रहे हो कि सॉल्यूशन साइड पर आप इतना प्रेशर अप्लाई करें कि ये जो आपका फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्यूशन साइड से इधर प्योर मतलब सॉल्वेंट साइड से दूसरी साइड निकल कर आ रहे हैं ये प्रोसेस होना बंद हो जाए। वो प्रेशर कितना प्रेशर होगा कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, उसी को प्रेशर को आप क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सबको जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं समझ में आया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है तो जल्दी से इधर लिखेंगे कि यस मैम क्लियर है। बोलो यार इतनी बात सबको क्लियर, जल्दी से बता देंगे, एकदम सिंपल है। देखो जी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मतलब नेचुरली क्या होगा, खुद से क्या हो जाता है, खुद ब खुद तो ये होगा कि अगर ऐसा है बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इधर प्योर वाटर है और इधर सी वाटर है तो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल सी वाटर में चले जाएंगे और ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, इधर वॉल्यूम बढ़ जाएगी इधर वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्योर वाले सी वाटर में चले जाते हैं, ये सब कुछ नेचुरली खुद ब खुद हो जाता है और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। जहां पर आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो ऑस्मोसिस है। लेकिन मेरे को इस प्रोसेस को रोकना है क्योंकि मैं चाहती हूं मेरा प्योर वाटर एज इट इज रहे, वो कहीं गायब नहीं हो, मेरे को प्योर वाटर चाहिए, तो ये वाला प्रोसेस मेरे को रोकना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस रोकने के लिए मैं सॉल्यूशन साइड पर कितना प्रेशर अप्लाई करती हूं कि ये प्रोसेस रुक जाए, और कुछ अलग से कुछ नहीं हो लेकिन इतना प्रेशर कि ये प्रोसेस होना बंद हो जाए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो प्योर वाटर में थे वो प्योर वाटर में ही रहे इधर नहीं आए, वो उतना प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी कि द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।
मजेदार, क्लियर है इतना सब कुछ, इतना सबको आई होप आप लोग को क्लियर है। अब यार यही जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, यही जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसा पाई से, यू रिप्रेजेंट दिस विद पाई, और आपका पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, किसके इक्वल होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अच्छा यार जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है ना वो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन सबने पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पी क्या होता है प्रेशर, इसको मैं ऐसा लिख दूं एन बाय वी आर टी तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। अब एन बाय वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर आप इसको पी इज इक्वल टू सी आर टी भी लिख सकते हो। तो देखो पी एक्चुअली क्या है, प्रेशर ही है, तो यहाँ पर बस उस पी को ना पी लिखने की जगह पाए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाए, ठीक है, एप्पल पाए, पाए ऐसी, पाए इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, दैट्स इट, ठीक है। किसी किसी को थोड़ी मुश्किल होती हो कि यार ये क्या है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो ऐसे ध्यान रख लो इसको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के हेल्प से, ठीक है, क्या पाई इज इक्वल टू सी आर टी, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, कह दो कि मैम हो गया याद, ध्यान रहेगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर यार ये तो सी तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यूजुअली हम इसको क्या लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं, दिस इज यूजुअली वॉट, मोलैरिटी। उसके बाद ये जो आपका आर है, ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। और यार यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की मैं तुम्हें 100,000 बार, ये क्या होता है मैम, वॉट इज 100,000, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बहुत बारी ये सारी की सारी यूनिट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी आर की यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की क्या क्या यूनिट्स होती है बता चुकी हूँ यार, अब दोबारा मत कहोगी मैम दोबारा से बता दो, ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है, जो भी काम आए वो वाली यूनिट लगा लेना इधर, बाकी न्यूमेरिकल्स के हेल्प से आपको और आसानी से पता चल जाएगा। वापस से देखो ये स्लाइड आ गई, ये बता रही है कि देखो दो दिन के लिए 30 और 31 आपको 20% ऑफ मिल सकता है, इसका मतलब क्या क्लास ओवर हो गई है, नहीं, आरओ सिस्टम पढ़ेंगे अभी हम, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यार क्या बोलते हैं, ये जो मैंने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं मैम, हमारी स्लाइड किधर गई, हाँ यहाँ पर, ये जो हमने किया इससे क्या हुआ, आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गया है ना, इससे क्या हुआ हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गया, रुक गया तो अच्छी बात हुई, क्यों, क्योंकि बेचारा प्योर वाटर बच गया हमारा खराब होने से, प्योर सी में मिल रहा था वो तो बच गया, लेकिन यार मैं चाहती हूँ कि सी वाटर जब मैं लेकर आई गई है ना, मेरे पास सी वाटर आ ही गया, तो अब वो सी वाटर को भी मेरे को प्योर बना देना चाहिए, मैं चाहूंगी कि यार सी वाटर में से भी जितना प्योर वाटर है ना उसको मैं इधर निकाल लेती हूँ, ये तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो इधर रहने दो कोई बात नहीं, सॉल्ट तो इधर ही रह जाए और इसमें से प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे इधर निकल कर आ जाए, ठीक है, तो मजा आएगा, यही तो होगी असली बात, तब मजा आएगा। ये तो क्या ही हुआ कि पानी जितना था उतना ही आपके पास है, प्योर वाटर जितना तुम लेकर गए थे उतना ही है तुम्हारे पास, मजा तो तब आएगा जब आप सी वाटर में से प्योर वाटर अपने पास ले आओगे, है ना, और हमारे आरओ सिस्टम जो होते हैं या जो आपके घर पर फिल्टर लगाया था पानी के लिए, राइट, उसमें यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर कि आप उसके अंदर इम्प्योर वाटर जाता है और इम्प्योर वाटर से फिल्टर आउट होकर आपके पास बिल्कुल प्योर वाटर आता है, यानी कि सिर्फ उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कोई इम्प्योरिटी नहीं, तो वहां पर भी एक्चुअली यही हो रहा है, राइट, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना इधर, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अभी तक तो देखो हमने सिर्फ इतना प्रेशर अप्लाई किया था, इतना प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे थे कि यार ऑस्मोसिस प्रोसेस आपका रुक जाए, अब अगर मैं उससे भी इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर अगर इस साइड लगा दिया जाए कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके इधर मूव करने लग जाए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करने लग जाए, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन लो है और इधर साइड आपके सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो मैं इधर से इतना एक्सेस प्रेशर लगा देती हूं, अगर क्या इधर से अगर आप इतना एक्सेस प्रेशर लगा देते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आने लगे, तो फिर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा और फिर प्योर वाटर आपको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन देखो यार ये तो उल्टी बात हो गई ना, ऑस्मोसिस क्या होता है,
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाए, और ये तो बिल्कुल ओपोजिट हो गया। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके लो से आप हाई भेज रहे हो, आप सॉल्यूशन साइड पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई मूव करने लगे। तो ये ऑस्मोसिस का बिल्कुल रिवर्स हो गया, ऑस्मोसिस प्रोसेस का एकदम रिवर्स हो गया है। इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हो। दिस इज हाउ वी कॉल दिस रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सारी बात आई होप अब आपको क्लियर होगी। यहां पर ऑस्मोसिस क्या होता है लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वो एक्सेस प्रेशर, वो प्रेशर जो आप लगाओगे कौन सी साइड पर, सॉल्यूशन की साइड पर, सो दैट आपका ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या वो एक्सेस प्रेशर जो आप सॉल्यूशन की साइड पर लगाते हो सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ जाने लगते हैं और वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। व्हाट डू वी कॉल इट, रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट वाज ऑल अबाउट इट। बस हो गया, हो गया, हो गया, अब हो गया आपका ऑस्मोसिस फिनिश। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके पास सॉल्ट, सॉल्टी वाटर है, इधर साइड तुम ऐसा ये भी बना सकते हो, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं इधर, ऐसे ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं दूसरी साइड। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि आपने जो है ना इस साइड से इतना सारा प्रेशर अप्लाई किया, सॉल्यूशन साइड पर इतना प्रेशर अप्लाई किया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके, अब देखो यहां से ऐसे ये दिख रहा है मेम्ब्रेन है, इसके अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके प्योर की तरफ जा रहे हैं, फ्रेश वाटर की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारे आरओ सिस्टम्स हमारे घर में होते हैं उनमें एक्चुअली यही काम हो रहा होता है। ठीक है, हो गया भाई, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश है आपकी। ऑस्मोस्टिक प्रेशर में आपने जो पढ़ाई, जो लास्ट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इसमें जितना हमने पढ़ा उसको भी फटाफट समराइज कर लेते हैं, एज वी डिड फॉर ऑल दी अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपकी लास्ट यानी कि फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रही, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो पाए से। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, सबसे पहले तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और जी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जिसकी जरूरत पड़े वो लगा लो, वैसे इतने से फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट, कैसा लगा, सारा का सारा डन है इसके साथ आपका, यानी कि जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी हमने सारी फिनिश कर ली है। इसी के साथ आज के लिए और कल के लिए आपके पास ये ऑफर है, और क्योंकि हमारा एनविजन बैच भी इसी के साथ साथ स्टार्ट हो रहा है, तो जहां पर हम बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करें तो 23 एस्पिरेंट्स के लिए परफेक्ट है। और साथ ही साथ देखो 23 के लिए 2 फेब से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच, तो यार इससे पहले कि बैच स्टार्ट हो आप एनरोल करा सकते हो। और जितने हमारे 22 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 9 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, विच विल बी अ क्रैश कोर्स। ठीक है, which will be our crash course. So that was all about today. इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, you can use the code AKA Live. Description box में भी enrollment link आपको given है, तो वहां से जाकर आप कर सकते हैं, but you have to hurry up because this offer is valid only for 30th and 31st, that is today and tomorrow. और आप देख सकते हैं कितना difference आपको देखने के लिए मिलेगा after this offer, क्योंकि आपका ये offer valid है on both Plus and Iconic, तो आप इधर video को pause कर भी देख सकते हो आप कितना difference है, ठीक है, या फिर आपको offer का कितना benefit मिल रहा है। Unacademy Prodigy में participate करना नहीं भूलेंगे, February 6th आपका next test होने वाला है। Envision batch आपका यार स्टार्ट हो रहा है कब से, एनविजन बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 फरवरी। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी आप देखो कितने सारे अमेजिंग बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। उम्मीद फिर से क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 30, यानी कि यार कल से ही स्टार्ट हो रहा है ये तो, और उसके बाद वी हैव दिस अंतिम युद्ध बैच जो आपका 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग बैचेस आपके आपको मिलेंगे जो फ्रॉम दिस कमिंग वीक, या तो कल से, मंडे है क्योंकि कल, या फिर
यू नो इन दिस अपकमिंग वीक काफी सारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट होंगे, फ्रेश क्रैश कोर्स बैच है या तो या फिर आपके फ्रेश 23 एस्पिरेंट्स के लिए बैच रहने वाला है, तो हमेशा ही आप यही चाहते हो कि एक फ्रेश बैच में आप यू नो एनरोलमेंट कराएं, सो दैट ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्टार्टिंग से होगा पूरा होगा, तो स्टार्टिंग से पूरा हो ऐसे ही बैच में आप हमेशा आना चाहते हैं, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि फिर बीच में आप किसी बैच में एनरोल कराते हो या आते हो तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा पीछे का कवर करना पड़ता है, राइट? सो क्या करना है आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि आपको एक लिंक गिवन है और वहां पर लिखा है सब्सक्राइब हियर या सब्सक्राइब टुडे, तो उसमें आपको वो लिंक को जाकर क्लिक करना है, यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज, जिसको भी आप चूज करते हैं प्लस या आइकॉनिक, उसमें प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको बेस्ट लगता है, हाउएवर आइकॉनिक में यार देखो वन ऑन वन इंटरेक्शन हो पाता है तो बेस्ट है, तो आप उसको चूज कर सकते हो, और फिर उसके बाद ड्यूरेशन चूज करने के बाद आपको यहाँ पर कोड का एक कॉलम होता है तो उसको खाली नहीं रखना है, रादर आप उसमें कोड लगा देंगे AKA लाइव, ठीक है? तो जब आप AKA लाइव कोड लगाते हैं, चाहे प्लस के लिए आइकॉनिक के लिए, जितने बैचेस मैंने आपको दिखाया उनके सारे के सारे टीचर्स का सारा कंटेंट आप कर अनलॉक कर लेते हैं, यानी कि सबका सब कुछ मिल जाता है आपको, और भी बहुत सारे बैचेस जितने भी बैचेस हैं जितने भी एडुकेटर्स हैं सबका सारा कॉन्टेंट आप देख पाएंगे वेन यू यूज दी कोड, और साथ ही साथ अभी तो दो दिन के लिए आज और कल के लिए आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है? 20% ऑफ आप ग्रैब कर लेंगे, मतलब 20% ऑफ का मतलब यार जितना फीस लिखा है ना ये 12 मंथ के लिए उतना आपको पे नहीं करना होगा, इसमें 20% कम कर दो तो फिर वो जितना अमाउंट बनता है दैट इज व्हाट विल बी पेइंग, और फिर आपका प्राइस हाइक भी हो रहा है फरवरी से, एकदम डबल बेनिफिट है, तो डू अवेल दिस बेनिफिट, और इसी के साथ साथ डाउट पूछो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आस्क अ डाउट फीचर कर, और जितने लोग पढ़ाई करते हैं तो डाउट तो आता ही है, तो पढ़ाई करोगे तो डाउट आएगा, तो डाउट उधर डालो, एक बारी में 3 डाउट तक आप पूछ सकते हो, सो डू यू नो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस, और इसी के साथ साथ बस हाँ आज स्पेशल क्लासेस 8:30 बजे, जिधर आपका लेक्चर 6 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेशन है आपका, सेशन है सॉल्यूशंस का ही, तो डू नॉट मिस दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक ही क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, लिंक आपकी इधर चैट सेक्शन में ऑलरेडी पिन अप हुई है, बस इसी लिंक के थ्रू आपने स्पेशल क्लास में आना है, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर, डू नॉट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, एट द सेम टाइम डू नॉट मिस टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट सारी वीडियोज को आप फॉलो कर पाए और सारा का सारा अमेजिंग कॉन्टेंट आपका हो पाए, थैंक यू, डाउनलोड कर लेना अभी अभी, मैं साथ साथ ग्रुप पर टेलीग्राम पर डाल रही हूँ ये PDF, और फिर मिलते हैं हम शाम को 8:30 PM।